साल 2015 में कई कोशिशों के बाद पाकिस्तान से भारत लाई गई मूक बधिर गीता को उसका परिवार मिल गया है। पाकिस्तान में गीता जिस सामाजिक संगठन के पास रुकी थी और जिसने उसकी देखभाल की थी, ये दावा उस संस्था ने किया है। गीता को उसका असली परिवार महाराष्ट्र में मिला है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक पाकिस्तान में इथी वेलफेयर ट्रस्ट चलाने वाली बिल्किस इथी ने दावा किया है कि भारतीय लड़की गीता को उसका परिवार महाराष्ट्र में मिला है। गीता अब अपनी असली माँ के साथ ही है। बता दें कि जब गीता गलती से पाकिस्तान में चली गई थी, तब बिल्किस और उसकी संस्था ने ही उसकी देखभाल की थी। बिल्किस के मुताबिक उनकी लगातार गीता से बात होती है और इसी हफ्ते उसने उन्हें जानकारी दी है कि उसे असली माँ मिल गई है। गीता का असली नाम राधा बागमरे है और महाराष्ट्र के नेगांव में उसकी माँ मिली है। आपको बता दें कि गीता गलती से पाकिस्तान चली गई थी जब वो 11-12 साल की थी और पाकिस्तान के एक रेलवे स्टेशन पर मिली थी, जिसके बाद बिल्किस की संस्था ने कराची में उसकी लंबे वक्त तक देखभाल की। साल 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कोशिशों के बाद गीता को भारत वापस लाया गया। भारत में लाए जाने के बाद सरकार की ओर से गीता के असली माँ बाप को ढूंढने की कोशिशें की गई। तब तक उसे इंदौर की एक संस्था में रखा गया था। हालांकि इस दौरान गीता ने कई जगहों पर अपने माँ बाप को ढूंढा। कई लोगों ने उसका परिवार होने का दावा भी किया। बिल्किस के मुताबिक करीब 4.5 साल की खोज के बाद गीता को उसकी असली माँ मिल गई है। उन्होंने बताया कि गीता के असली पिता की काफ़ी वक्त पहले मौत हो चुकी थी, तो उसकी माँ मीना ने दोबारा शादी कर ली है। हालांकि इस मामले को लेकर इंदौर की आनंद सर्विस सोसाइटी के सचिव ज्ञानेंद्र पुरोहित ने एक बड़ा सवाल उठाया है, जिसके बाद सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। दरअसल ज्ञानेंद्र पुरोहित शत प्रतिशत मानते हैं कि गीता उर्फ राधा वाघमरे परिवार की है। वहीं गीता से जब DNA सैंपल के लिए ब्लड की मांग की गई, तो वहां स्वास्थ्य को लेकर सैंपल देने से इनकार कर गई। ऐसे में विदेश मंत्रालय के पास गीता की जो DNA रिपोर्ट है, उसके साथ उसके परिवार वालों का DNA मैच करना चाहिए, ताकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो जाए। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा गीता और उसके मौजूदा परिवार से DNA के मिलान में देरी क्यों की जा रही है, ये अभी भी सवाल है। वहीं इस मामले में पाकिस्तान की मीडिया भले ही लाख दावा करे कि गीता अपनी माँ से मिल गई है, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी गीता का DNA का मिलान परवणी में रहने वाले परिवार से नहीं किया गया है। जब गीता को लेके हम जिंतूर में गए थे लोकली, तो लोगों ने पहचान लिया, आइडेंटिफाई किया जो उसके बस्ती के लोग थे, और गीता की माँ और बहन बिल्कुल 100% श्योर हैं कि गीता उनकी बेटी है। और अब सारी चीज़ें DNA होने के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। मतलब बहुत क्लोज रिसर्च है गीता को लेकर, और DNA से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। गीता जब हमारे बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में रही कोविड के समय में, बिल्कुल घर पर ही जब साथ रही, तो जो मेजर चीज़ें हमने देखी वो ये थी कि सबसे जो पहला उसका क्लू देखा था कि उसका है ना राइट नोज पियर्सिंग था। तो हमारे मन में जो एक डाउट था ना, या लोगों के मन में लगातार जो डाउट चल रहे थे कि ये बिहार की हो सकती है, उत्तर प्रदेश की हो सकती, वो वहीं सॉर्ट आउट हो गए। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में महिलाएं दाहिनी तरफ की नाक पियर्सिंग नहीं करवाती है, ये साउथ या ऐसे स्टेट का हो सकता है जहाँ पे नॉर्थ और साउथ के बॉर्डर मिलते हो। दूसरा वो एक चीज़ बोलती थी, उसने साउथ की तरफ से भी हमारा ध्यान ऐसे हटवाया कि वो ये बोलती थी कि वो जिस स्टेशन से घूमी है वहां पर दो तरह की भाषाओं में लिखा रहता था, हिंदी या इंग्लिश। अभी इसके कारण से जो हम लोग का एक डाउट चल रहा था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर, वो जो हिंदी वाली लिपि वाली जो उसने बात करी, वो यहाँ से फिर हम लोग क्लियर हो गए कि जो मराठी लिपि होती है वो देवनागरी स्क्रिप्ट होती है। मतलब देखने से मराठी को कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि वो हिंदी है या मराठी है। और बचपन में जब ये घूमी होगी तो संभवतः कोई पढ़ाई लिखाई तो इसकी हुई नहीं होगी, तो ये लिपि में अंतर नहीं कर पाए कि ये हिंदी है या मराठी है। वही एक बहुत बड़ा क्लू था जो हमको सीधे सीधे लेकर गया कि हम या तो तेलंगाना या महाराष्ट्र।